डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रीवियस सेशन के अंदर आपको हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी पढ़ाया स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी क्या होता है हमने प्रीवियस सेशन में इसके कॉन्सेप्ट्स पे फोकस किया, राइट। अब आज वक्त आ गया है आपके आईसीएआई द्वारा जो मॉड्यूल दिया गया है उसके ऊपर हम लोग इसका डिस्कशन करें। ओके, चलिए तो अब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं। अब जैसे कि लैंग्वेज पढ़ने के पहले मैंने आपको कीवर्ड्स पिछले सेशन में कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले किए थे, ओके? और अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत ज्यादा हमने पॉइंट्स वहां पे कवर कर दिया हुआ है, बट फिर भी मेरी एक फॉर्मल ऑब्लिगेशन बनता है मेरा कि मैं आपको आईसीएआई द्वारा भी जो मॉड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ाऊं। अब देखिए मेरा आपने अगर पढ़ाने का टेक्निक दिखाऊंगा तो देखो पहले मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ फिर लैंग्वेज पे, हर एक टॉपिक में हमारा ऐसे ही गया है सिनेरियो, ओके? तो आज ये भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का पहला कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ने वाले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी इन लैंग्वेज फॉर्म। चलो शुरू करते हैं, ध्यान दो। द टर्म इंडिमिटी लिटरली मींस श्योरिटी अगेंस्ट लॉस। मैंने तो ये आपको पहले ही बता दिया था कि जब आप कोई लॉस कोई अगर स्पेसिफिक इवेंट के अंदर आप कोई लॉस खा रहे हो उसकी अगर श्योरिटी आपको चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए एक्चुअली, तो वो सिक्योरिटी के लिए हम जो लॉस के अगेंस्ट कुछ मतलब देते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हमने नाम दिया है इंडिमनिटी। टू मेक अ गुड द लॉस, टू मेक अ गुड द लॉस यानी क्या कि हम लोग जब भी कोई लॉस से सफर करते हैं कुछ भी तो उसको पूरा कंपनसेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडिमनिटी वर्ड यूज होता है। और आगे दिया है टू कंपनसेट द पार्टी हु हैज सफर्ड फ्रॉम लॉसेस, यानी जब हम किसी को पार्टी कंपनसेट करते हैं, क्या करते हैं, कंपनसेट करते हैं काय के लिए, वो उस सफर करती है वो उस पार्टी को जो पार्टी सफर कर रही है लॉसेस से, तो उस प्रक्रिया को भी हम इंडिमनिटी कहते हैं। सबसे बेस्ट मैं बताऊं क्या, तो ये थर्ड वाला है टू कंपनसेट द पार्टी हु सफर्ड सम लॉसेस, ओके क्लियर। लेकिन इंडिमनिटी के एक मीनिंग नहीं होता है, इसके तीन मीनिंग है, तीन मीनिंग आपको आईसीए द्वारा दिया गया है यहां पे। द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहां दिए गए, अंडर सेक्शन 124। ये मैंने आकर आपको नोटिस किया होगा तो मैंने डे वन पे आपको पूरा सिनेरियो लिख के दिया था कौन सा सेक्शन कहां से कौन से कॉन्ट्रैक्ट के लिए और कौन सी कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कर रहा है, ओके। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इट इज अ कॉन्ट। अब देखो यहां पे डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो वो एज इट इज लिखनी पड़ेगी और यही डेफिनेशन कल मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, यानी इन शॉर्ट प्रीवियस सेशन में। देखो द कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट है यानी इसको मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, जब अग्रीमेंट बनता है और अग्रीमेंट इनफोर्सिबिलिटी की पूरी कंडीशन फुलफिल करती है तब। बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी प्रोमिस करता है अदर को। अब एक पार्टी प्रोमिस कौन करता है बोलो, यहां पे बात हो रही है इंश्योरर की, किसकी बात हो रही है, इंश्योरर, अदर यानी किसके लिए, इंश्योर्ड फ्रॉम सम लॉसेस, लॉस से कोई तो भी लॉस से कॉज ड्यू टू हिम, जो इंश्योर्ड को हो रहा है लॉस हो रहा है, होने के लिए वर्ड यूज किया है कॉज ड्यू टू, कॉज टू हिम बाय कंडक्ट, कुछ तो भी करके किसका, ऑफ द प्रोमिसर। अब प्रोमिसर कौन होता है बताओ, जो इनिशिएट करता है, प्रोमिसर और प्रोमिसी, जो ऑफर देता है वो प्रोमिसर और जो ऑफर ही जो ऑफर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं प्रोमिसी, बराबर है कि नहीं। अब आपको मैंने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी कंपनी से जब इंश्योरेंस लेते हो तो कंपनी ये नहीं दिखाती कि आप आए हो, हम आए, कंपनी ये दिखाती कि एप्लीकेंट पहले अप्लाई करता है। मैंने आपको बताया था, करो मैंने आपको 12th में बताया था इसको कि जब टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ाया था आपको, याद करो मैंने, तो उसमें लास्ट था प्रपोजल, क्या था प्रपोजल, तो प्रपोजल यानी क्या, ऑफर यानी इसका मतलब क्या है कि भले हम देखो सिंपल बात है, कोई भी कंपनी यहाँ जब इंश्योरेंस करने आती है आपको देती है तो ये नहीं दिखाते कि हम आए, वो दिखाते कि पहले अप्लीकेंट ने इंश्योर्ड ने पहले अप्लाई किया था उसके बाद मैंने उसको एक्सेप्ट करके अग्रीमेंट बना के कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, तो यहाँ भी वही हुआ है। देखो क्या लिखा रहा है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एक पार्टी प्रॉमिस करता है, इंश्योरर प्रॉमिस करता है, इंश्योरर प्रॉमिस करता है किसको, इंश्योर्ड को, अदर को, अदर यानी अब इंश्योर्ड की बात हो रही है, फ्रॉम लॉस, लॉस से कॉस्ट टू हिम, जो उसको लॉस होगा कॉस्ट टू हिम यानी
जो लॉस होगा उसको उसको यानी किसको, यहां पे बात कर रही है इंश्योर्ड को, बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर, यानी प्रोमिसर की बात यहां पे वही आ रही है इंश्योर्ड, क्योंकि यहां पे कभी भी आना इंश्योरर और इंश्योर्ड में इंश्योर्ड जो होता है इंश्योर्ड वो प्रोमिसर होता है, क्योंकि अग्रीमेंट की शुरुआत पहले ऑफर जो है वो किसके नाम पे क्लेम होता है, इंश्योर्ड के नाम से, इंश्योरर के नाम से नहीं है, हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, इंश्योर्ड द्वारा कुछ किया जाने के पर उसको लॉस होगा, या तो उसके एजेंट द्वारा, एजेंट के लिए हमने वर्ड यूज किया है बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। एग्जाम्पल दू तो समझो, अब समझने वाली बात है, जब तुम कार का इंश्योरेंस देते हो, कार का इंश्योरेंस देते हो कार को, अब जो कंपनी तुमको कार के ऊपर इंश्योरेंस देगी, तो जब तुम्हारी कार ठुक जाती है और जब तुम कंपनसेट करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी तुमको ये बोलती है कि कार तुमने ठोकी क्या, नहीं वो उसको कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे ड्राइवर ने ठोकी या तुमने ठोकी, तुम्हारे ड्राइवर ने ठोकी या तुमने ठोकी, तुमको इंश्योरेंस मिलेगा अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस होगा तो। पार्टी कोई, देखो पार्टी इंश्योर्ड हो या उसका एजेंट हो, पार्टी इंश्योर्ड हो या उसका एजेंट हो, माइनर नहीं होना चाहिए, कॉम्पीट होना चाहिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बस। इसलिए आप देखो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी ये हाथ नहीं झटकती कहकर कि तुमने थोड़ा डॉक्टर होगा, तुम्हारे एजेंट होगा, चलता भैया यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है इंडिमिटी के अंदर कि यहाँ तो कंडक्ट खुद करे इंश्योर्ड, यहाँ तो उसका कोई अन्य अदर पर्सन करे तो भी लाइबल है कंपनसेट लेने के लिए, कौन इंश्योर्ड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ पे आगे बढ़ते ध्यान दो। एग्जाम्पल दिया है मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज। मिस्टर एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया गवर्नमेंट को कि मैं वापस आऊंगा इंडिया में अपनी स्टडी कंप्लीट करके, विच वेयर फंडेड बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट ने फंड्स किया, एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज टू सर्व द गवर्नमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। अब देखो आप प्रोड्यूस करो, जितने भी आप MBBS की सीटा देखते हो ना, जो गवर्नमेंट भरती है पैसे, उसमें अग्रीमेंट होता है, आपको पता है नहीं पता, आपको बता रहा हूं मैं, इफ एक्स फेल टू रिटर्न टू इंडिया ही विल हैव टू रिम्बर्स, रिम्बर्स यानी भर के देना, भरपाई, द गवर्नमेंट इज टू द गवर्नमेंट इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी। अब देखो ये वाला थोड़ा पिक्चर अलग था लेकिन वो अच्छा है, क्या हो रहा है देखो, मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को प्रॉमिस किया कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ के पांच साल तुमको सर्विस दूंगा और उसके लिए तुम्हें को फंडिंग करो, क्या करो फंडिंग, और हुआ यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट ने फंडिंग कर भी दिया उसके ऊपर, पैसा लगाया, लेकिन अगर अब एक्स अगर अपने पीरियड में अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वापस नहीं आता है और उसने 5 साल की सर्विस गवर्नमेंट को फ्री में नहीं दिया, तो अब एक्स को जो खर्चा किया एक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने उसको भरपाई करके देनी पड़ेगी ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल सुन लीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ होता है, जितने भी नीट वाले एग्जाम बच्चे होते हैं, नीट या JEE वाले, सुना है आपने नीट का MBBS लगता है, जितने भी नीट से क्रैक होने वाले MBBS वाले बच्चे होते हैं ना, MBBS में इसका नंबर लगता है, नंबर यानी क्या, जिसका गवर्नमेंट कॉलेज लगता है, तो गवर्नमेंट उनसे पैसे लेती नहीं है, आपको पता है नहीं लेती ना पैसे, अरे जो जहाँ 1 करोड़ रुपए साल का लगना होता है वहां पे 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लेती है, बाकी पूरा पैसा गवर्नमेंट भरती है एक एक बच्चे के ऊपर, लेकिन वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कराती है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कराती है, इंडेमिटी वाला, क्यों कि जैसे तुम MBBS बन गए तो 3 साल तुमको हमको 5,000 रुपए में महीने के हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा, हमारे पास जो तुम्हारे ऊपर हमने खर्चा किया है वो हमको पहले वसूल के देना। तो फिर याद करो जितने भी MBBS की होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, आप देखो 3 साल या 5 साल वहाँ पे गवर्नमेंट के कॉलेज में वो सर्विस देते हैं, यानी गवर्नमेंट कॉलेज यानी कौन से, हाँ मेन हॉस्पिटल में आप देखो गवर्नमेंट को कॉलेज सर्विस देते हैं 5,000 रुपये स्टाइपन के बेसिस पर, और ये अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट को पूरा उसका खर्चा भर के देना पड़ेगा जो 5 साल गवर्नमेंट ने उनके ऊपर किया हुआ है। ओके अब पार्टी कौन होती है, मैंने आपको बताया था ये उस दिन इंडिमनीफाई और इंडिमनीफायर है ना, द पार्टी हु प्रॉमिसेस टू इंडिमनीफाई या सेव द अदर पार्टी फ्रॉम द लॉस इज कॉल्ड एज इंडिमनीफायर, यानी इंश्योरर। इंश्योरर यानी कौन, जो इंश्योरेंस जो प्रोटेक्शन दे रहा है, जो कंपनसेट पे करेगा लॉस का, उसको बोलेगी इंडिमनीफायर यहाँ पे, और यहाँ दिया है द पार्टी हु इज प्रॉमिस्ड टू बी सेव अगेंस्ट द लॉस, जिसको सेव किया गया है उसको नाम दिया इंडिमनीफाइड या इंडिमनिटी होल्डर। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही
बता दिया था, मैंने जब यहाँ पे की नोट्स रखे थे तो आपको वहां पे दिखाया गया था। ओके, अभी एग्जाम्पल से एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, मैं नीचे आता हूँ। However, the above definition of indemnity restrict the scope of contract of indemnity in as much as it cover only the loss caused by him. देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसे कौन से केसेस है जहां पे contract of indemnity जो है वो use नहीं होता है। देखो है, however, the above definition of indemnity restrict the scope of कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी इन एज मच इट कवर ओनली द लॉस कॉज बाय। अब देखो, अगर कोई लॉस इंडिमिटी के अंदर होता है तो ऐसे कहां, कौन सी कंडीशन है जहां पे इंडिमिटी होने के बाद भी रेस्ट्रिक्ट कर देता है इसको, यानी इन शॉर्ट जहां पे इंडिमनीफाइड जो है वो कंपनसेट नहीं ले पाएगा। तो पहला द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी क्या ये जो कंडीशन ऐसी है जहां पे इंडिमनीफाइड यानी कौन, इंश्योर्ड यानी जो जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है ए उसको पैसे उसको मिलेगा कंपनसेट। लेकिन नीचे आप देखोगे ना, नीचे तो उसमें लिखा हुआ है, देखो पढ़ो वहां पे एक मिनट, हाँ ये देखो नीचे उसने लिखा हुआ दिया है लॉस ओकेशंस बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन और एन एक्ट ऑफ गॉड नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड। वही तो मेरे को पढ़ा था मैंने, यानी क्या सीखा आपको सुनो, अगर इंश्योर्ड यानी इंडिमनिटी होल्डर या इंडिमनीफाइड खुद या उसका एजेंट कुछ लॉस करता है फाइनेंशियली, तो इंडिमनिटी के अंडर अकॉर्डेंस इंडिमनीफायर यानी कौन, इंश्योरर उसको कंपनसेट पे के देगा। लेकिन अगर यहां बताया गया है लॉस ओकेशंस बाय द एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन, समझा, बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन और एन एक्ट ऑफ गॉड नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड। नहीं समझा ना आपने, सुनो ध्यान दो, बता रहा हूं देखो, तो एकदम सिंपल है। आपने एक्ट ऑफ गॉड देखा, उसके ऊपर ओ माय गॉड ओएमजी मूवी आ गई थी। सुनो, इंडिमिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी नेचुरल इवेंट्स को कवर नहीं करता। चलो एग्जांपल दो, भूकंप वगैरह जो आते हैं ना उसको कवर नहीं करता, डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर को कवर नहीं करता वो, जैसे डेथ इज अ नेचुरल इवेंट वो कवर नहीं करता है, क्योंकि डेथ इंडिमिटी में नहीं आता, वो लाइफ इंश्योरेंस में आता है और लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी। तो यहां वही बता रहा है कि अगर द लॉस ओकेशंस बाय एन एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन यानी क्या भाई, लॉस किसी पर्सन से नहीं हुआ, नेचुरल हुआ, क्या हुआ, नेचुरल क्या हुआ, तो वो इवेंट वो कवर नहीं करता, सिंपल भाषा बोल दो, समझा। एक्ट ऑफ गॉड में याद करो, वो कौन था, परेश रावल, वो गया था इंश्योरेंस कंपनी को, बोलता मैं तुमको प्रीमियम दे, हमको कैसे दो, तो बोलता इट इज नॉट इट इज एक्ट ऑफ गॉड, इट इज अगेंस्ट द पॉलिसी। फिर उसके ऊपर वो कोर्ट केस करता है, फिर आखिर में कंपनी नहीं भरती, वो भगवान भरता, भगवान मारे होल्डर्स सब मंदिर मस्जिद वाले, याद करो। ओके, वो तो चलो पिक्चर में ठीक था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जैसे एग्जांपल के तौर पे। इन केस ऑफ गजानन मुवेश्वर एंड मुवेश्वर मदन, ये केस स्टडी है, ये आप पढ़ लोगे घर पे, नहीं आया तो आपको बता दूंगा मैं, आ गया हूं। मोड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंडिमिटी, अब इंडिमिटी कितने टाइप्स में होते हैं देखो सुनो, पहला द कॉन्ट्रैक्ट इंडिमिटी लाइक्स एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट मे बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड, ये तो आपको कॉमन सेंस है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या होता है, जहां पे इंडिमनिटी इंडिमनीफाइड और इंडिमनीफायर दोनों बकायदा रिटर्न में या तो वर्बली बोलते हैं, और इंप्लाइड यानी क्या होता है, जो कोड ऑफ कंडक्शन से होता है, कोड ऑफ कंडक्शन से होता है। एग्जाम्पल दू, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल समझने वाली बात है, देखो सब सिंपल है, मैं कल परसों में मैं यहां पे घर के बाहर बाजू वाले घर के यहां से एक नल कनेक्शन ले रहा हूं,
अब वो नल कनेक्शन ले रहा हूं मैं, तो वो नल का खुदाई करनी पड़ती पहले, सरकारी पानी का नल जो आता है ना। अब वो नल का जो खुदाई करूंगा मैं, वो खड्डा अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो बताओ ये गलत है कि नहीं? मैं किसी घर के सामने खड्डा कर रहा हूं तो मेरा काम क्या बन रहा है कि उसका जो भी लॉस होगा उसको पूरा भरपाई मैं करूँ, यानी क्या उसको खड्डे को पूरा मैं भरपाई करूँ या पूरा कवर मैं करके करूँ कि ताकि जैसा पहले था वैसा ही मैं सिचुएशन रख के दूँ, बराबर कि नहीं? तो ये इम्प्लाइड अग्रीमेंट हो गया कि सामने वाला मेरे को बोल नहीं रहा है लेकिन मेरा काम है कि उसकी लॉस होने वाले उसके घर के बाजू में जो लॉस होगा कुछ भी फाइनेंशियली वो उसको मैं भरपाई करके दूँ, या तो मैं उसको लॉस का पूरा भरपाई फाइनेंशियल करके दूँ या तो मैं ही उसको वो पूरा हेल करके दूँ अच्छे से। ये हो गया इम्प्लाइड। क्या होता है ये समझना ना तुम्हें ना, किसी कभी कभी क्या होता है किसी का नुकसान हमारी वजह से हो जाता है, हमारा अग्रीमेंट नहीं होता है लेकिन फिर भी हमारा काम बनता है कि हमको भर के देना है। लॉ इसको भी अप्लीकेबल बोलता है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या इम्प्लाइड अग्रीमेंट। देखो वही लिखा हुआ है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी इज सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन द पर्सन एक्सप्रेसली प्रॉमिसेस टू कंपनसेट द अदर फ्रॉम लॉस। और दूसरा बता रहा है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी इज सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन इट इज टू बी इन्फर्ड। Inferred का मतलब क्या होगा? Inferred from the conduct, यानी जो perform होगा कुछ तो भी conduct करके, कुछ तो भी conduct करके। जैसे अभी example दिया कि मेरे को सामने वाले ने नहीं बोला कि भर के देना ये करके देना, लेकिन मेरा काम बनता है कि मैं उसको भरपाई करके दूं क्योंकि उसका जो loss हुआ उसका जो problem है वो मेरी वजह से आया हुआ है। तो किसी और को अगर मेरी वजह से problem आ रही है तो मेरा काम है उसको पूरा हेल करके देना। तो ये वही बता रहा है यहाँ पे, inferred from the conduct of the parties or from the circumstances of the cases। समझा आपको? क्लियर? अब बोला हुआ नहीं भी रहा उसने, मैंने कल उसे परमिशन मांगा कि सर हम आपके घर के बाजू में से सरकारी पान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है बोलने के बाद उसने ये नहीं बोला कंपनसेट करना, लेकिन ये मेरे को पता है कि मुझे उसको भर के देना है, खत्म मिशन। ये इंप्लाइड है, क्या है उसका? समझा आपको? क्लियर? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, अब इसमें इसमें बताया गया राइट्स, राइट्स ऑफ इंडेमनीफाइड और इंडेमनिटी होल्डर की। तो ये अपन एक बार देख लेते हैं, नहीं कुछ अलग नहीं है, 5 मिनट में खत्म होने वाला है। द प्रोमिसेस, द प्रोमिसी, प्रोमिस यानी कौन? हाँ, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्रोमिसर एंड इंडेमनीफायर। देखो ध्यान दो, ऑल डैमेजेस व्हिच हैव व्हिच मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट, यानी क्या कोई भी केस स्टडी आती है, केस फाइल हुआ तो आपको कंपनसेट पे करके देना ही है। दूसरा, ऑल द कॉस्ट व्हिच मे हैव बीन कंपेल्ड का मतलब जॉइंट अटैच्ड, अटैच्ड जो कंपेल्ड है जॉइंट होता है, जो जॉइंट खर्चे हैं यानी उसे कनेक्टेड खर्चे, टू पे द ब्रिंगिंग यानी डिफेंडिंग द सूट एंड। अच्छा काम करो, ये तीनों पॉइंट्स हम कल डिस्कस करते हैं क्योंकि नीचे मुझे बहुत आगाज आ रही है और मुझे लग रहा है कि अभी बच्चे आ गए हैं तो अपन इसको कल देखते हैं। कल हमारा 2 टास्क रहेगा, एक तो राइट्स पढ़ना ये पूरा, और दूसरा क्या करूंगा मैं बताऊं, कल मैं नया कॉन्ट्रैक्ट भी शुरू करूंगा और वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोनों में से कोई भी एक। ठीक है, चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।